हम तो किसान लोग राजधानी ये राष्ट्र के लिए राजधानी निर्माण के लिए हमने हमना सारा कुछ सबका हमारा जेवर आधार खेत दे चुके हैं गवर्नमेंट को। और दूसरे बार वो इलेक्शन हुआ था, दूसरा प्रभुत्व आयोग जगनमोहन रेड्डी का गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं कि 3 राजधानी के बनाने का योजना कर रही है। इसलिए हमने यहाँ मोदी जी से 3 साल हो रहे हैं हमारा उद्यम, हम सारे महिलाएं लोग बाल बच्चे सभी लोग सड़क पे आ चुके हैं। हमारा वहाँ तो एक ही मकसद है, राष्ट्र राजधानी का निर्माण करना, उसमें हमारा स्वार्थ नहीं है। हमको स्वार्थ हो तो हमने मांगते हैं कि हमारे पैसा हमको वापस दे, हमारा खेत हमको वापस दे, लेकिन हम वो नहीं पूछ रहे हैं। हमारा राजधानी के भूमि अमरावती के भूमि में राष्ट्र भविष्य समाहित है। वहाँ का भूमि के वैल्यू मार्केट में रखने से 2,50,000 रुपीस हमको राजधानी का और आंध्र प्रदेश को मिलेगा। उससे हमारा राष्ट्र का विकास होगा, हमारा बच्चों का भविष्य भी सुधारेगा। यही राजधानी अच्छे से बनने से और आंध्र प्रदेश का डेवलप होने से हमारे बाल बच्चों को, आंध्र प्रदेश के बाल बच्चों को वहाँ जॉब्स मिलेगा और वो लोग हमारे पास ही हमारे आंखों के सामने रहेगा। यही हमारा इच्छा है, इसलिए हमने तो भूमि दिया था गवर्नमेंट को, लेकिन अब ये गवर्नमेंट कह रहे हैं कि 3 राजधानी बनाने का। क्या कहीं भी इंडिया में कोई भी राष्ट्र में 3 राजधानी है? हाईकोर्ट कहीं भी होगा वो न्याय राजधानी होगा, असेंबली का होगा वो परिपालना राजधानी होगा, और इंडस्ट्रियल कैरिडर कहीं भी डेवलपमेंट तो कभी कहीं भी हो सकता है, लेकिन राजधानी एक ही होना चाहिए। सभी कामों के लिए एक ही पास जाता है, लेकिन अलग अलग फेस में नहीं होता। केवल ये प्रभुत्व, ये जगनमोहन रेड्डी प्रभुत्व चाहते हैं कि उनका राज्य स्वलाभ के लिए ही हमारा किसानों का अन्याय करे हैं। आंध्र प्रदेश के भविष्य के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। इसलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री हुए थे, तब पहली बार हमारा राष्ट्र का राजधानी का वागदान दिया था, और वहाँ आकर भूमि पूजा भी उनके हाथों से हुआ था। तभी भी उनका गवर्नमेंट है, अभी भी उनका गवर्नमेंट है। क्यों आप वेट कर रहे हैं राजधानी निर्माण बनाने का? क्यों आप वेट कर रहे हैं? आपका नाम राष्ट्र प्रभुत्व नहीं सुनता है क्या? यही हमका समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी आप कह रहे हैं हम अमरावती का मत, वहाँ के नेता आपके बीजेपी नेता कहते हैं हम अमरावती का मदद है, लेकिन मदद है तो आपकी बात से हमको वह राजधानी बन सकता है, लेकिन आपसे भी पूरी मदद हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए ये बात आपके पास लाने के लिए ही हम दिल्ली पहुंचे। 3 साल हो चुका है, आज से 4 साल आ रहा है, ये 4 साल के कदम रखे हैं, और कितने देर इंतजार करेंगे हम, कितने दिन सड़क पर रखेंगे हम, ये बात सोचकर हम मोदी जी से विनती करनी है। ऑल पार्टी से भी हम ये विनती करना चाहते हैं कि क्या आपके राष्ट्र में भी ऐसा परिस्थिति हो तो आप प्रजा के लिए खड़े नहीं होंगे क्या? इसलिए हमारे आंध्र प्रदेश प्रजा आपके पास मोदी जी, जी, जी मोदी सबका विकास कर रहे हैं, कह रहे सबका साथ सबका विकास, कैसा है ये विकास? हम मांगते हैं कि हमारा राष्ट्र को तो कोई भी विकास बीजेपी से नहीं मिला अभी तक। सबका विकास मांगे तो हम भी इंडिया में ही, मोदी जी हम कहीं पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और कहीं भी नहीं है, हमारा आंध्र प्रदेश भी इंडिया में ही। विकास कहाँ हो रहा है? इतना कुटुंब 29,34,000 एकर्स दिए हुए फैमिलीज, 20,000 फैमिली के लिए 4 लोग बने तो कितना लोग होंगे? इतने एक ही प्रांत में इतने लोग सड़क पर आ चुके हैं, लेकिन आपका मदद के लिए आपके बात के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि सबका विकास, कहाँ हमारा विकास हो रहा है? कहाँ आंध्र प्रदेश का विकास हो रहा है? कहाँ आंध्र प्रदेश में नई परिश्रम कहीं भी ये 3 साल में आ गया है क्या? हमारा बच्चा किधर जाएंगे? हमारा बच्चा राष्ट्र छोड़कर कहाँ जॉब के लिए जाएंगे? हम किसान लोग वहाँ हमारे पास खेत भी नहीं है और काम भी नहीं है। हमको काम करना है तो हमारा घर बार छोड़कर कहीं और प्रांत में जाकर वो 500 रुपये 400 रुप के लिए काम करना पड़ता है। हम वो भी 40 माइल्स जाना है उनको काम के लिए। एक बार सोचिए आंध्र प्रदेश को क्या न्याय दे रहे हैं आप? एक बार आप वहाँ आकर देखिए अमरावती के प्रांत, आप एक बार सोचिए अमरावती के प्रांत 3 भूमि कितना तो कृष्णा नदी आसपास से पानी भरा है। Betraying the hope of the farmers of Andhra Pradesh. This is what we are telling, we are asking. So friends, comrades, brothers, sisters, now the struggle has gone to the political level.
You have fight. You are fighting in Andhra Pradesh. How many padayatras you have undertaken? How many agitations you have conducted? Why the Chief Minister is not agreeing to it? Why the state government is not agreeing to it? Why the union government is not giving you special category status? That is what you should ask. So the question is political. Political. You will have to find a political solution. What is that political solution? You must have a government friendly to you. A government which understands your concerns. The government which works for your interest. The present government is not doing that. That's why you have to change the present government in Andhra Pradesh. Here at Delhi, you will have to change the present government headed by Mr. Modi. Kisans came in lakhs and Modi finally had to bend down and he has to repeal all three farmer, anti-farmer laws. You know that. But Mr. Modi gave ensured MSP for the farmers. He is not giving, he is not fulfilling that promise. That is what you should understand. Before coming to power, they promise. After coming to power, they try to promise, try to cheat the people. So we'll have to find a political solution. And if you ask me, honestly speaking, our party is of the view. In the forthcoming 2024 elections, we must all unitedly defeat BJP. Throw out BJP from power. Throw out Mr. Modi from power. In the same way, in Andhra Pradesh, whenever the state assembly elections are held, we all will have to fight unitedly and remove the present government from power. Remove Mr. Jagan Mohan Reddy and teach a lesson to Mr. Jagan Mohan Reddy. So, brothers and sisters, let us continue to fight. Let us continue to fight unitedly. Unitedly, I underline the word. Let us continue to fight unitedly. And finally, we will win. We will win. I assure you, there is nothing in front of people's power. People's power is supreme. And people will decide the destiny of not only Andhra Pradesh, but destiny of the whole country. We will win. Only thing, we should fight. We should fight, fight, fight. And we should move forward. And this Jai Amravati slogan should echo everyone. Jai Amravati. Jai Amravati. Jai Amravati. Let us fight together. Thank you. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।